कहते हैं कि अगर आप सब्र से काम लो तो सब काम अच्छा हो जाता है, जिंदगी में सक्सेस पाओगे। सब्र का पल मीठा होता है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको फेलियर मिलेगा, फिर भी सब्र रखना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि ये सडनली मयूर फिलॉसफी क्यों जाड़ रहा है। फिलॉसफी नहीं है, हम ये हमारा जो कंपटीशन वाला एक्वास्केप हमने तैयार किया था, उसका हार्डस्केप हमने सिखाया, गोल्डन रेशियो, फिर फोकल पॉइंट, फिर उसके बाद हमने वाव फैक्टर के बारे में बात किया। ये सब हमने, ये टैंक के साथ हमने एक जर्नी हमने जी है। फिर प्लांटिंग किया, प्लांट्स अभी ग्रो हो चुके हैं। एंड मैं इसलिए अभी आज मैं सब्र रखने का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जंक्शन है या ये पॉइंट है इस एक्वास्केप में जहाँ पे आपको फेलियर मिलेगा, मतलब ये जंक्शन में एल्गे आना स्टार्ट होगा। ये टैंक अभी एक दो तीन महीना हो गया शायद, बिकॉज लास्ट मंथ हमने कुछ वीडियो अपडेट नहीं किया है। ये डरने का नहीं, एल्गे आने वाला है। मैं हमेशा बोल चुका हूं, एल्गे ऐसा चीज है जो ऑलरेडी आपके एक्वेरियम में है, और एल्गे एक सिम्टम है बीमारी का। ओके, मतलब अगर ब्लैक ब्रश एल्गे आ रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है समझ में आएगा। अगर हेयर एल्गे आ रहा है तो आपको टैंक में क्या प्रॉब्लम है समझ में आ रहा है। और अगर कोई दूसरा एल्गे है तो वो एल्गे आपको बताएगा कि आपके टैंक में ये प्रॉब्लम है। आज हम एल्गे के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको एल्गे के बारे में जानना है तो मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, वो सब जाके देखिए, एंड आपको समझ में आएगा कि एल्गे एक एक्वास्केप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ये फेलियर नहीं है, सीखने का मौका है। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस बोलते हैं। ज्यादातर एक्वास्केपर्स ये जंक्चर में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अपना सब्र खो देते हैं, एंड यहां पे एल्गे रिमूवर, ये वो फलाना डिमका, लाइट चेंज करो, ये करो वो करो, वो सब करना शुरू करते हैं और टैंक बिगड़ जाता है। ओके, यहां पे आपको समझना है कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है एंड वो प्रॉब्लम करेक्ट करना है। सिंपल बात है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो सब्र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टैंक का आज हम एक रिव्यू देखेंगे कि प्लांट्स में क्या हो रहा है, एल्गे कहाँ है, क्यों हो रहा है, कौन सा प्लांट्स कैसे ग्रो हो रहा है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ प्लांट्स ग्रो नहीं हो रहे ठीक से, कुछ प्लांट्स बहुत सुंदर ग्रो हो रहे हैं। एंड ओवरऑल एक रिव्यू देख के हम इसमें क्या करेक्शंस करना है वो भी हम देखने वाले हैं। अभी ये जो टैंक में हम लोग जब बना रहे थे, फोकल पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, और मैं कह रहा था कि ये एक फोकल पॉइंट है, ये एक फोकल पॉइंट है, ये जो फोकल पॉइंट है थोड़ा बहुत वो पीछे तक जा रहा है, ये सेक्शन जो है, और यहाँ पे फोकल पॉइंट नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे ये सेक्शन में कुछ भी नहीं है। ओके, बिकॉज प्लांट ग्रो हो गया है, और ये ऑल्सो ये टाइम है कि वो ट्रिमिंग करके वो फोकल पॉइंट्स को यू नो नज़र आने जैसा ट्रिम करें, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एंड अगर हम आगे जाके जब हम फोटो वगैरह निकालेंगे कंपटीशन के लिए, तो ये क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। यू नो फाइन ट्यूनिंग या यू नो वो ट्रिमिंग से ठीक हो जाएगा, ज़रूरी है। तो अभी ये टैंक को अगर हम देखेंगे यू नो, तो एक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक हार्डस्केप में या एक्वास्केप में था, वो था वाव फैक्टर। तो ये एक जंगल नज़र आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग या मिस्टीरियस या इंट्रीगिंग, बहुत यूनिक नज़र आता है, एंड वहीं से वो निकलता है पूरा वो एक वाव फैक्टर। और यस, अगर हमने वो फोकल पॉइंट नज़र आने के लिए थोड़ा बहुत ट्रिमिंग किया, जो हम करेंगे अभी थोड़ी देर में, अगर वो सब कर देंगे तो और भी इंटरेस्टिंग, और वो वाव फैक्टर या जो भी है वो यूनिक फैक्टर उठ के नज़र आएगा। जब हम ये टैंक सेट कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि मैं
पीछे थोड़ा लाल कबंबा यूज करने वाला हूँ, रेड कलर का कबंबा यूज करने वाला हूँ, बिकॉज वो कलरेशन जो है मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ऊपर से भी देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक है, एक फेदरी लुक है। पता नहीं, हर बार ये देखता हूँ तो मेरे को वो अवतार पिक्चर का जंगल नज़र आता है, याद आता है। बहुत ही सुंदर दिखता है कबंबा। एंड ये जो कलरेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वो ब्यूटी जो ग्रीन में, वो रेडिश या पिंकिश कलर जो है, बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है टैंक। एंड ऑफ कोर्स ये टैंक का हाईलाइट जो है रिकार्डिया मॉस। अगर आपको याद है, हमने ये मॉस पूरा वुड के अंदर घिसा था, स्मॉल स्मॉल चॉप करके, फाइन चॉप करके उसको हमने वुड के अंदर पूरा घिस दिया था, एंड बहुत ही सुंदर निकल के आया है। ये डेफिनेटली ये टैंक का हाईलाइट रिकार्डिया मॉस ही है। मॉस के बीच में हमने थोड़ा यहाँ पे देखेंगे तो ब्यूसीफ्लांद्रा डाला था, वो भी अच्छा आ रहा है, निकल के आ रहा है। थोड़ा तो बहुत लीव्स काटना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत फिसिडेंस मॉस भी अच्छा सा आ रहा है, वो खराब नहीं हुआ है, थोड़ा था हमारे पास, हमने डाला था, बहुत सुंदर निकल के आ रहा है। आई थिंक रिकार्डिया सबसे सुंदर पीछे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे अच्छे से ग्रो हुआ है, बहुत सुंदर ग्रो हुआ है, और ये गैप्स में तो बहुत ही सुंदर आया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा निकल के आया है। पूरा जितना भी स्टोन था या वुड था वो सब कवर हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बहुत सुंदर कवर हुआ है, एंड बहुत ही नेचुरल दिखता है। यहाँ पे साइड में हमने क्रिप्टोकॉन स्पाइरलिस टाइगर डाला था, बहुत सुंदर आ रहा है, थोड़ा स्लो है और थोड़ा लंबा हो सकता था, बट स्टिल कलरेशन उसका पैटर्न बहुत सुंदर आ रहा है। एंड उसके पीछे है रोटाला मकरांड्रा ग्रीन, वो भी अच्छा आ रहा है, एक्चुअली वो ओवरग्रो हो रहा है, थोड़ा उसको ट्रिम करके शॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये साइड में हमने रोटाला बटरफ्लाई यूज किया था, मिनी वेरिएंट है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, बट एक बार और ट्रिमिंग करेंगे तो ये भी थोड़ा थोड़ा निकल के आ जाएगा, नॉट एन इशू। और जो हमने प्लांट्स यूज़ किया था वो है पिनाटीफिडा, ब्यूसीफ्लांद्रा वगैरह यूज़ किया था हमने। ब्यूसीफ्लांद्रा वगैरह थोड़ा टाइम लगता है ग्रो होने में, लेकिन बहुत सुंदर आएगा। ओके, नया लीव्स आएंगे, थोड़ा बहुत ट्रिमिंग। एंड ऑफ कोर्स पिनाटीफिडा तो वीड जैसा है, उसको थोड़ा बहुत यू नो कंडीशंस डिसेंट भी मिला तो फटाफट ग्रो हो जाता है, और उसको ट्रिम करके मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, यहाँ पे वो जरूरी है। आपने अभी पूरा रिव्यू देखा प्लांट्स के बारे में, अलग अलग प्लांट्स का। कुछ प्लांट्स को ट्रिमिंग करना है, बहुत जरूरी है, और ट्रिम करेंगे तो फोकल पॉइंट भी नजर आएगा, एटलीस्ट एक दो फोकल पॉइंट होना चाहिए, तब जाके वो सुंदर दिखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ट्रिमिंग होने के बाद का वीडियो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में डालूंगा, आप देख सकते हो कि कैसे दिखता है और हमने क्या ट्रिम किया है। ट्रिमिंग वीडियोस मैं बहुत बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसे प्लांटेड टैंक ट्रिमिंग करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, सिंपल मेथड्स है, ठीक है। मैं ये वीडियो में टाइम ज़्यादा लेना नहीं चाहता। सो जैसे मैं कह रहा था, ये वो टाइम है इस एक्वास्केप में जहाँ पे फेलियर्स होने का बहुत गुंजाइश रहता है। तो अगर आप सामने के वुड में देखेंगे तो ब्लैक ब्रश एल्गे आया है, तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि ब्लैक ब्रश एल्गे क्यों आया। ये एग्जैक्टली ये फिल्टर के लाइन में है, ओके, पानी के लाइन में है, बिकॉज यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, डायरेक्टली वो पानी के लाइन में है और पानी डायरेक्टली वुड के ऊपर जा रहा है। तो अगर ऐसा एक पोजीशन है जहाँ पे फिल्टर का पानी डायरेक्टली गिर रहा है वुड के ऊपर, तो वहाँ पे एल्गे आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एंड इसको कंट्रोल करना इजी है, मैं समझाऊँगा, आगे देखते हैं। स्टोन पे भी थोड़ा आया है, वही सेम एरिया है जहाँ पे फ्लो ज़्यादा है,
यहाँ पे सामने थोड़ा पैचेस है, थोड़ा अलग इश्यूज भी है. ये हमने क्रिप्टोकॉन लूसेंस यूज किया था, थोड़ा स्लो ग्रोइंग है एंड यू नो लाइट अच्छा है बट फिर भी थोड़ा स्लो ग्रोइंग होने की वजह से एल्गे आने का चांसेस है. यहाँ पे हम निकाल के वाइट सैंड भी डाल सकते हैं या टेनेलिस ऐसा कुछ प्लांट भी डाल सकते हैं. हमने ये कोने में थोड़ा क्रिप्टोकॉन पिंक डाला था बट वो ठीक से आया नहीं, तो वो एक हमारा एक फेलियर ही समझो, बट नहीं आया. ओके बट इट्स ओके, उसमें टेंशन ना लेने जैसी बात कुछ नहीं है. ओके तो अगर हम ये सेक्शंस में देखेंगे जहाँ पे रिकार्डिया मॉस वगैरह है, या पीछे के सेक्शंस में देखेंगे जहाँ पे फ्लो उतना फोर्स नहीं है, वहाँ पे एल्गे इश्यूज नहीं हैं. बट जहाँ पे फोर्स है या डायरेक्ट फ्लो गिर रहा है वहाँ पे एल्गे है. तो ये एक प्रॉब्लम है और इसका सल्यूशन हमें ढूंढना है या करेक्शन देखना है. मैं बताऊंगा आपको ये कैसे होता है. तो जैसे आपने देखा हमारे टैंक में ब्लैक ब्रश एल्गे आया है. ओके एंड हमने ये भी देखा कि वो वहीं पे आ रहा है जहां पे फिल्टर का फ्लो ज्यादा है. हमने यहां पे ओआस का बायोमास्टर 250 यूज किया है, फिल्टर बहुत अच्छा है लेकिन जहां पे फ्लो आ रहा है ये फ्लो के बीच में है और यहां पे एल्गे आ रहा है. उसको करेक्ट करना सिंपल है. आप चाहो तो फ्लो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, थोड़ा मूव कर सकते हो लिली पाइप को, वन सिंपल ऑप्शन. एडीए का फाइटॉन गेट यूज कर सकते हो, थोड़ा CO2 बढ़ा सकते हो, फ्लो कम कर सकते हो, ये सब ऑप्शंस है. बट मेरा मानना है थोड़ा अगर टाइम देंगे तो धीरे धीरे वो ब्लैक ब्रश एल्गे निकल जाएगा बिकॉज प्लांट्स ग्रोथ पकड़ेगा अच्छे से एंड एल्गे ग्रोथ कम होगा. ठीक है, हल्का सा मैंने देखा है कि थोड़ा बहुत स्टैग ऑन हल्के भी है बट वो भी करेक्ट हो जाएगा वंस वी करेक्ट दिस. फर्टिलाइजर थोड़ा डोजिंग एडजस्ट करना है, लाइटिंग वगैरह ठीक है. ऑल्सो मेरा मानना है कि थोड़ा मेंटेनेंस हमने पर्पसली मैंने किया नहीं था बिकॉज मेरे को देखना था कि क्या प्लांट्स कैसे ग्रो होने वाला है, तो थोड़ा मेंटेनेंस शेड्यूल अलग किया था. अभी थोड़ा मेंटेनेंस बढ़ाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नंबर ऑफ वाटर चेंजेस और थोड़ा थोड़ा करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अगेन पेशेंट से काम करो, इजिली सॉल्व हो जाएगा. ओके घाय करने का कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमने रेगुलर ज़ीब्रा डैनियो यूज किया है, सिंपल सा फिश है, ज़्यादा फैंसी कलर्स नहीं है, सिर्फ वो ग्रेइश कलर है, नेचुरल कलर है, यू नो बहुत सुंदर दिखता है. एंड मुझे लगता है कि ये टैंक के लिए ये फिश बेस्ट है, शोलिंग फिश है. ओके अच्छा भी दिखता है एंड बिकॉज वो ग्रेइश कलर एंड ये जो है ना थोड़ा वो एक ग्रेइश ब्लू कलर जैसा आएगा. ओके बहुत सुंदर आएगा, थोड़ा उसको सेट होना है बिकॉज हमने एक दो दिन पहले ही डाला था मछली, तो वो सेट होते होते बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा. सो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आठवां या नौवां वीडियो है ये एक्वास्केपिंग के जर्नी में, एंड मे बी नेक्स्ट मंथ में मैं आपको फोटोग्राफी का वीडियो बना के बताऊँगा कि कैसे एक एक्वास्केप को फोटोग्राफ करते हैं, क्या करना है आपको, कैसे फोटोग्राफ लेना है, कैसे दिखना है, क्या लाइटिंग यूज़ करना है फोटोग्राफी के लिए वगैरह वगैरह, वो सब मैं बताऊँगा. एंड मैं हमेशा की तरह आशा करता हूँ कि ये वीडियो में भी आपने एंजॉय किया, कुछ नया देखने को मिला, सीखने को मिला, बहुत मज़ा लिया ऑफ कोर्स. एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. ये एक जर्नी हम लोगों ने साथ में जिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है. 7-8 वीडियोज़ है, अलग अलग वीडियोज़ है, स्टेप बाई स्टेप है, आप देखें एंड आपका एक्वास्केपिंग का हॉबी आप बढ़ाएं, इम्प्रूव करें और हॉबी का मजा लें. ओके सो सबर का पल मीठा होता है, जल्दी में मत रहना, एक्वास्केप में पेशेंस चाहिए. एक एक्वास्केप, एक एक्वेरियम आपको पेशेंस सिखाता है, आपको पेशेंट बनाता है, नहीं पेशेंट नहीं बनाता है, पेशेंट शांत बनाता है. आजकल बहुत ये चल रहा है, पेशेंट मत बनो, हेल्थी रहो और बहुत जल्दी मिलेंगे. चलो ओके बाय.